पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर विजय सिंगला को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया है। विजय सिंगला स्वास्थ्य विभाग में हर काम और टेंडर के बदले 1% कमीशन मांग रहे थे। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री भगवंत मान तक पहुंची थी। उन्होंने गुपचुप तरीके से इसकी जांच कराई, अफसरों से पूछताछ की, फिर मंत्री सिंगला को तलब किया गया। मंत्री ने गलती मान ली, इसके बाद उन्हें बर्खास्त किया गया। इसके बाद मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कर पंजाब पुलिस के एंटी करप्शन विंग ने सिंगला को गिरफ्तार कर लिया। सिंगला को अब मोहाली के फेज 8 पुलिस थाने में रखा गया है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि चाहता तो केस को दबा सकता था, लेकिन इससे लोगों का भरोसा टूट जाता। तो वहीं अब सिंगला की आम आदमी पार्टी से भी छुट्टी करने की तैयारी है। पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मालविंदर कंग ने कहा कि दागी लोगों की आम आदमी पार्टी में कोई जगह नहीं है। मेरे ध्यान च एक केस आया जिद मेरी सरकार का एक मंत्री हर टेंडर चो जा उस महकमे न संबंधित खरीदो फरोख्त के 1% कमीशन मंगता सी। मैं इस केस नूं बहुत गंभीरता नाल लिया। इस केस का सिर्फ मैनू पता है, ना तो मीडिया नूं पता है, ना विरोधी पार्टियां नूं पता। जे मैं चाहुंदा तां इस केस नूं मैं दब सकता सी, पर जे मैं इदां करदा तां अपनी जमीर नाल भी धोखा करदा ते लखां लोक जिन्हां ने मेरे ते विश्वास कीता है उन्हां दा मैं विश्वास तोड़दा। इसलिए मैं उस मंत्री के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहा, उन मंत्रिमंडल चो बर्खास्त कर रहे हैं, तो तुरंत पुलिस नूं खिलाफ केस दर्ज करन दे निर्देश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बन के फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं, गर्दन कट जाएगी लेकिन भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवंत मान पर हमें गर्व है, जरा सुनिए। विपक्ष कह रहा है देखो देखो सरकार बनने के 2 महीने में इनके लोगों ने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। ये सारी पार्टियां भ्रष्टाचार करती हैं, पहले दिन से ये लोगों को लूटना चालू कर देते हैं, रोज लूटते हैं, पर दुनिया के इतिहास में ये पहली सरकार है जो पता लगते ही सख्त से सख्त एक्शन लेती है, चाहे गुनाह करने वाला अपना ही क्यों ना हो। करप्शन देश के साथ गद्दारी है, भारत माता के साथ गद्दारी है। कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन भारत माता के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गर्दन कट जाएगी लेकिन देश के साथ गद्दारी कबूल नहीं है, ना गद्दारी करेंगे ना किसी को करने देंगे। बचपन से घर में माँ बाप ने ईमानदारी के संस्कार दिए हैं, ये जो हमने किया है ये करने के लिए बहुत बहुत हिम्मत चाहिए और ये हिम्मत हमें भगवान से मिलती है, ऊपर वाले से मिलती है। व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेजेस दे रिगार्डिंग अलर्ज किया कि जो भी इन्होंने वो किया उस रिगार्डिंग इन्होंने रिमांड सीक किया जिहड़ा कि हुण जज साहब ने 3 दिन का रिमांड फरमा दिता है, दोबारा इन्हों की 27/5 दोबारा प्रोडक्शन वारंट पेश किया जाए।